हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, ये प्राइमरी स्तर का जो टेट हुआ था, पीआरटी स्तर, पीआरटी में आपको टीचर बनने के लिए, पीआरटी टीचर बनने के लिए प्राथमिक स्तर का जो टेट हुआ था अभी आज के ही दिन दूसरे टाइम, तो उसका ये गणित का पेपर है, मैंने सॉल्व किया है। आप सब इसका उत्तर चाहे तो मिला सकते हैं। पेडोलॉजी के एक दो प्रश्न के उत्तर बदल सकते हैं आयोग के द्वारा, बाकी सारे उत्तर तो इसमें सही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसका प्रयोग किस तरह से शिक्षक कर सकता है, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, जैसे जिसको आप गांव की भाषा में कट बैठी कहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं। ये इसके लिए इसका तीसरा सही होगा, 31 का। 32 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए, तो विषम समूह है तो समावेशी शिक्षा होगी, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। 32 का 2। और आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है, गणित में सीखने की प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, तो इसका जो सही होगा ये इसका 2 सही होगा। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, तो गतिविधि का मतलब होता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों साथ साथ काम करें, तो बच्चों का अन्वेषण में लगना, अन्वेषण का मतलब खोज, खोज में लगना मतलब उसमें अध्यापक भी सहायता करेगा और छात्र भी सहायता करेंगे, और आंशिक रूप से यह भी सही हो सकता है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, तो अध्यापक भी क्या कर सकता है, गिनती को कविता के रूप में एक बार बोलेगा और उसका अनुकरण वाचन छात्र दोबारा करेंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इसका तीसरा उत्तर सही हो। आगे लेते हैं, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो समूह बनाने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे से आप पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया, क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में क्या आप कह सकते हैं। भाई उसने क्या कहा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, तो इसका 36 का 1 सही होगा। आगे लेते हैं, गणित सीखने के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हर कोई सीख सकता है, ये इसका उत्तर सही है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है, तो पहले हमने क्या किया, उसके उदाहरण दे दिया, फिर उससे परिभाषा संबंधित बातचीत की, तो इसमें क्या होगा, आगमन विधि। आगे लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये सत्य नहीं है। फिर उसके बाद 2/3 / 4/5 को निकालना था, तो आप जानते हैं कि 3 और 5 का आप लघुत्तम निकाले लेंगे 15, 3, 2 और 4 को इस तरह से निकालेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 1 सही 7/15। अब नीचे दिए गए आकार निम्नलिखित में से कौन सा कथन कठिन ठीक नहीं है, तो इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज नहीं, इनमें से 2 आयत हैं, इनमें समांतर चतुर्भुज हैं, तो इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसका पहला सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा 11,111 संख्या प्रतिनिधित्व करता है, बहुत मस्त प्रश्न था, 11,111 को अब 11,100 को 1,000 उसमें से निकाल लीजिए तो 12,000 हो जाएगा, तो 12,111 इसका सही होगा अर्थात 1। बिंदु और बी के बीच नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये 1 25,000 के लिए कर रहा है, तो ए और बीच की बी की दूरी क्या होगी, 22,000 इकाइयाँ, 3 नंबर इसका उत्तर होगा। 3/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो इसका हम भाग कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 13, 13/4, उसके बाद 1/16 कर देंगे, जब गुणा करते हैं तो सीधा रहता, भाग करते हैं तो उलट जाता, 16/1 हो जाएगा और लास्ट में इसका उत्तर आएगा 52। हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 समाप्त की, यात्रा पूरे कितना समय लगा, तो देख सकते हैं 22:20 में 18:40 आप बताएंगे तो कितना आएगा, 3:40 आ जाएगा। चौथा,
200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग, 200 ml आयत की एक बाल्टी भरनी है, आयतन की बाल्टी भरनी है, 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों में लिखित संयोजनों में से एक कौन सही नहीं है। देखिए 200 और 300 हम ऊपर रख लेते हैं, अब सबको चेक करते हैं तो 4 और 4 का बन जाएगा, 7 और 2 का सही आएगा, लेकिन 6 और 3 का अगर हम बनाएंगे तो 1800 और 900 आएगा, इसलिए ये सही नहीं है। तो तीसरा इसका सही है उत्तर। निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 / 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो 7 × 4/9 हो सकता है या 7 × 3/9 हो सकता है, लेकिन जो सबसे सही उत्तर होगा वो 1 होगा, 7 × 4/9। यदि ग्रिड एक छोटा वर्ग में 4 वर्ग इकाइयों का है तो एक ग्रिड बनाए गए आयत का परिणाम परिमाप क्या है? तो 12 इकाइयां इसमें सही उत्तर होगा। एक बच्चे के 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या? माध्यिका का मतलब यह है कि दोनों तरफ उतने ही अंक होने चाहिए। 75 को 5 बार लिख लीजिए, 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, बीच में 75 है, अर्थात 75 होगा। नीचे दिए गए ठोस निम्नलिखित में किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? तो अगर हम देखें किसको मोड़ के बना सकते हैं तो ये 4 नंबर का है, ऑप्शन 4 नंबर, ये देख सकते हैं, इसको मोड़कर हम बना सकते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? देखिए ये एक गोला है, तो गोला जो होता है इसका आधा कर दिया है, तो आधा अगर 40 है तो पूरा कितना होगा? 80 होगा, और 80 अगर है तो 80 को हम 1/8 से भाग दे दें तो गुणा कर दें, 80 × 1/8 तो हमारा उत्तर आएगा 10, अर्थात सफेद भाग 10 है, अर्थात पहला सही है। आगे लेते हैं, निम्नलिखित ठोस आकार निरीक्षण कीजिए, तो इसमें निरीक्षण करना है, थोड़ा सा प्रश्न जटिल है, इसका दूसरा उत्तर सही हो सकता है या तो तीसरा सही हो सकता है। निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है? तो लागत देख लेते हैं किसके अधिक है, 250 प्रत्येक पैकेट को 200 पैकेट, तो 250 × 200 करना है, 250 में 20 दर्जन मतलब 250 में 240 से करेंगे तो दूसरा सही होगा, अर्थात ऑप्शन इसका ए सही है। अब इसमें का सम संख्यक पदों का योग करना है तो योग करेंगे तो इसका 0 आएगा। आगे लेते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? तो इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो गणित की समस्याओं का जवाब देने के लिए सटीकता, देखिए जरूरी नहीं कि बच्चा जो है गणित के जवाब को सटीक ही जवाब दे, तो नहीं होना चाहिए। तर्क कौशल का विकास, गणित से तर्क कौशल की कोई भी बातचीत नहीं है, गणित हमेशा तर्क पर नहीं सटीक उत्तरों पर आधारित होती है, मेरा ये मानना है, जो भी उसका उत्तर बने। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में लिखे निर्देशों का अनुक्रम में किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 4312, चार मतलब भाषा के माध्यम से समझना, अनुभव प्रदान करना, और चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। आगे लेते हैं, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाई है, 83 में 27 घटा, उसका 64 आया है, तो बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के भारत में गलत धारणा है, स्थानीय मान उसको नहीं समझ में आया कि 3 में 7 से घटाएंगे तो 3 इकाई, 7 घटाएंगे तो कम है, इसलिए इसका चौथा उत्तर सही है। अधिगम और आकलन के चक्र में लिखित चक्रणों में क्रम व्यवस्थित कीजिए, इसका क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा क्रम होगा? तो इसका चौथा क्रम होगा 2 1 3 4, तो 2 में सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और संगठन करना, पहला फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना, और फिर तीसरा प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, और चौथा बच्चों में अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? ये थोड़ा सा प्रश्न जटिल है, तो इसमें रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, यह भी है, आप बहुत बड़ी अगर गिनती बनाना चाहें तो रोमन अंक में बनाने में थोड़ा सा जटिलता आ जाती है, या तो ये सही हो सकता है, या तो रोमन अंक स्थानीय मान नियोजन नहीं करते इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना मुश्किल होती है, तो यह भी नहीं सही है, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, तो दूसरा या तीसरा सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना दूसरे की सही होने की है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह बच्चों को औपचारिक अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, तो इसका 2 उत्तर सही होगा। तो ये रहा मित्रों 2-3 प्रश्न पैडोलॉजी के ऐसे हो सकते हैं, और एक प्रश्न आकृति वाला ये 52 नंबर का, जिसमें उत्तरों में परिवर्तन हो सकता है। बहरहाल बाकी सभी उत्तर सही हैं, बाकी आप सब अपनी राय आकर दे सकते हैं। धन्यवाद।